अब सरफ डालने के लिए हम लोग वॉशिंग मशीन में देखिए इस पर ये अंदर रहता है, इसको खोलेंगे ड्रॉ जैसा, ये बंद होता है ऐसे, खोलिए डालने के लिए, और जितना कपड़ा होगा उस हिसाब से सरफ डालेंगे। ये हमने सरफ डाल दिया इसमें, ये अब हमने कर दिया, बाकी कपड़े इसमें डाल दीजिए, पानी ऑटोमेटिक लेता है ये। अब ये बंद करना देखिए, ये ऐसे डाल और खोलना ये ऐसे ड्रॉ, अब ये बंद देखिए करी पूरा बंद है। अब बंद हो गया दबाने से, आराम से इसको बंद कर देंगे, फिर प्लग लगाएंगे। प्लग लगाएंगे और ये ऑटोमेटिक पानी के लिए है, ये इतना बड़ा पाइप, ये पाइप लेना पड़ा क्योंकि जो इसका पाइप आया था वो छोटा था, इसका फिर हम रिव्यू देंगे जो हमने पाइप मंगवाया था। ये 5 मीटर पाइप है और ये रही टोटी नल से सेट है, ये इसमें दो है, इसमें पानी और इसके लिए टोटी के लिए मशीन के लिए यूज़ हुआ, और इसको रेगुलेटर की तरह जैसे गैस में नहीं हो यूज़ करते सिलेंडर में वैसे ही लगा देना। ये हमने लगा दिया, अब सेट हो गया, हम लोग पावर ऑन करेंगे।